बात करते करते रात कट जाएगी, ऐसी रातों में मिलो ना। हेलो दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको लाइट मोशन ऐप की जरूरत पड़ेगी। लाइट मोशन का लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखा है, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, प्लस आइकन पर क्लिक करना है, 9 x 16 और पे क्रिएट पोजर पर टैप करना है। अब आपको एक पिक की जरूरत पड़ेगी, तो पिक लेने के लिए आपको क्या करना है, प्लस आइकन पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और एक पिक सेलेक्ट कर लेंगे। ये पिक सेलेक्ट कर लिए, अब 3 डॉट पर जाके स्पील कंपोजिशन एरिया कर देंगे। अब आपको क्या करना है, एक आइडियो की जरूरत पड़ेगी, तो आइडियो लेने के लिए प्लस आइकन पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और एक आइडियो सेलेक्ट करेंगे। ये स्टेटस है, मैंने क्रिएट किया था, मैं इसमें से आइडियो निकालूंगा। आइडियो निकालने के लिए 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और एक्स्ट्रा आइडियो कर देंगे और वीडियो को इस तरह से डिलीट कर देंगे। अब आपको एंड में चले जाना है और इस पिक को यहाँ तक खींच लेना है और इस सॉन्ग को इस प्रकार से नीचे ले आना है। अब आपको क्या करना है, लिरिक्स लिखना है। तो लिरिक्स लिखने के लिए मैंने XML प्रोजेक्ट दिया है, आपको उसे अपना लाइन मोशन में इम्पोर्ट करना है। कुछ ये वाला ये प्रोजेक्ट है, इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आपको इसे ही डाउनलोड करना है। अब 3 इस पर एक एक करके टिक करेंगे और इस ऑप्शन में जाके कॉपी 3 लेयर कर देंगे। कॉपी करने के बाद आपको बैक आना है अपने प्रोजेक्ट में और इस ऑप्शन पे जाके इसे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आपको आपको यहाँ पे एक लेयर मिलेगी, इस पर टिक करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे और 3 डॉट पर जाके इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको बैक आना है और अपने पिक में चले जाना है, ये पिक है, और इफेक्ट में जाएंगे, इसमें भी 3 डॉट पर जाके इसे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको बैक आना है और इस लेयर को ऊपर इस तरह से डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद देखिए हमारा पिक में कुछ इस तरह से मूव होने लगेगा, ये देखिए। अब आपको क्या करना है, ये जो ऊपर वाली लेयर है इस पर टिक करेंगे और यहाँ से अपनी आईडी दे देंगे कुछ इस प्रकार से। देने के बाद आपको यहाँ से फ़ॉन्ट यूज़ कर लेना है कुछ इस प्रकार से, मान के चलिए ये मैंने लगा दिया, ठीक है। अब टिक कर दिया और इसको आपको क्या करना है, एंड तक चले जाना है और इसे यहाँ तक फिल कर देना। फिल करने के बाद इसको इस तरह से नीचे लाएंगे यहाँ पे। अब आपको स्टार्टिंग में आना है और अपना लिरिक्स लिखना है। तो लिरिक्स लिखने के लिए आपको क्या करना है, इस पर टैप करेंगे और एडिट टेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ से अपना लिरिक्स लिख लेंगे और यहाँ से फ़ॉन्ट यूज़ कर लेंगे। इस फ़ॉन्ट का लिंक मैंने नीचे दिया है, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप देखिए ये लिरिक्स ठीक से काम नहीं कर रहा, हम इसको सही करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस लिरिक्स पर टैप करेंगे और इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे चले आएंगे। यहाँ से ये 2 इफेक्ट है, इनको इस तरह से कट कर देना है और जितने भी आई बटन ऑफ है इन्हें ऑन कर देना है कुछ इस प्रकार से। ऑन करने के बाद देखिए हमारा फ्लैश काम करने लगा है, ये इस प्रकार से आएगा और ऐसे जाएगा। अब आप मान के चलिए आपका सॉन्ग यहाँ तक है और ये सॉन्ग मतलब ये लेयर यहाँ तक है, आपका सॉन्ग यहीं तक है, आपको इसके इस तरह से कट करना है। ये देखिए यहाँ तक आ जाएगा, मान के चलिए आपका सॉन्ग यहाँ तक है, तो आपको इसे इस प्रकार से खींच लेना है ऐसे। अब आगे का लिखने का आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे जाके इसे कॉपी कर लेना है और यहीं से इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको आगे की लाइन लिख लेनी है इस तरह से एडिट टेक्स्ट पे जाके और यहाँ से टिक करना है। टिक करने के बाद आपको इसे भी सेट कर लेना है, मेरा सॉन्ग यहाँ तक है तो मैं इसे यहाँ तक कट कर दूँगा। कट करने के बाद आगे की लाइन ऐसे लिखेंगे, आपको इस तरह करते हुए आपको इस यहाँ तक पूरा लिरिक्स लिख लेना है। लिरिक्स लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पे जाना है और वीडियो पे जाना है और एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।